आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ क्या होते हैं और उनके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम इस वीडियो में पदार्थों की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन करें। अरे वाह, यहाँ किसी के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। चलिए देखें यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं रखी हैं। यहाँ मेहमानों के लिए कुछ मिष्ठान और शरबत रखा है और कमरे को गुब्बारों से सजाया गया है। क्या आप जानते हैं इन सभी वस्तुओं में क्या खास है? ये सभी पदार्थ पृथक पृथक अवस्थाओं में हैं। मिष्ठान का टुकड़ा एक ठोस पदार्थ है, जग में भरा शरबत एक द्रव्य पदार्थ है और गुब्बारों में भरी हवा एक गैसीय पदार्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पदार्थों की अवस्थाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आइए अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार में अध्ययन करें। सबसे पहले हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। इन वस्तुओं को इकट्ठा करें। चौकोर तांबे का पत्रा, ईंट, गेंद और पत्थर। अब एक कागज पर पेंसिल से इन सभी वस्तुओं के आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी वस्तुओं का निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं हैं? ये सभी वस्तुएं पदार्थ के ठोस अवस्था में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। अब अगर हम इनके आयतन को देखें तो पाएंगे कि इन सभी पदार्थों के आयतन स्थिर हैं, यानी इनमें नगण्य संपीड्यता होती है। आइए अब एक मजेदार क्रियाकल्प करते हैं। इन वस्तुओं पर हथौड़ा मारकर इन्हें खींचकर या गिराकर देखें। आप क्या देखते हैं? क्या इनके आकार बदले हैं? नहीं, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ठोस पदार्थ में कणों के बीच बहुत कम खाली जगह होती है और उन कणों के बीच का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ठोस पदार्थ आपस में विसरित होते हैं? आइए एक मजेदार प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करें। इस प्रयोग के लिए हमें एक कागज और गेंद की आवश्यकता होगी। अब इस गेंद को कागज में मिलाने की कोशिश कीजिए। आप क्या देखते हैं? ये दो ठोस पदार्थ एक दूसरे में विसरित नहीं हो सकते। हमने देखा कि ठोस पदार्थ के आकार स्थिर होते हैं और आयतन निश्चित होते हैं। उनके कणों के बीच का आकर्षण सबसे अधिक होता है, इसीलिए ठोस पदार्थ की संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है और दो ठोस पदार्थ एक दूसरे में विसरित नहीं होते। अब पदार्थ की द्रव्यीय अवस्था देखते हैं। ठोस पदार्थ की तरह क्या द्रव्यीय अवस्था में भी पदार्थ का आकार स्थिर और निश्चित है? चलिए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। यहाँ तीन अलग अलग आकारों के कांच के बर्तन हैं। हमारे पास इस जग में कुछ शरबत है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि शरबत ने जग का आकार लिया है। अब हम इन कांच के बर्तनों में ये शरबत एक एक करके उड़ेलेंगे। आप क्या देखते हैं? जी हाँ, शरबत ने हर बार अपना आकार बदल लिया। इसका मतलब द्रव्य अवस्था में
पदार्थ का आकार निश्चित नहीं रहता। क्या शरबत का आयतन एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने से बदल रहा है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित रहता है। क्या जग से बर्तनों में शरबत उड़ेलते समय शरबत आसानी से बहता है? जी हाँ, इसका मतलब द्रव्य अवस्था में पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है। आइए अब हम इन द्रव्य वस्तुओं को देखें। स्याही और जल का घोल, चीनी और जल का घोल और वात युक्त पेय, ये सभी पदार्थ द्रव्य अवस्था में हैं। स्याही और जल का घोल एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में विसरित करके बनता है। चीनी और पानी का घोल एक ठोस को एक द्रव्य में विसरित करके बनता है और वात युक्त पेय एक गैसीय पदार्थ को एक द्रव्य में विसरित करके बनता है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। आप सोच रहे होंगे कि लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। हमने देखा कि द्रव्य पदार्थों के आकार निश्चित नहीं होते लेकिन इनके आयतन निश्चित होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों के बीच का आकर्षण कम होता है क्योंकि द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। इसीलिए द्रव्य पदार्थ की संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी संभव है। द्रव्य अवस्था में पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है और द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। आप जानते हैं कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। वातावरण में उपस्थित गैसें विशेषतः ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। क्या इन गैसों का कोई आकार या आयतन होता है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में पदार्थों का कोई आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। आइए अब एक क्रियाकल्प करें। 100 ml की तीन सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दें और अब पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी सिरिंज में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। अब तीनों पिस्टन को सिरिंजों में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि सिरिंज एक का पिस्टन सबसे आसानी से सबसे अधिक दब गया। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ये संपीड्यता इसलिए संभव है क्योंकि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है। दोस्तों, रसोई में बनाए जा रहे पकवान की खुशबू हमारे रसोई में बिना दाखिल हुए हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो दोस्तों,
जैसा हमने देखा कि गैसीय पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित नहीं होते। ठोस और द्रव्य की अपेक्षा गैसीय पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है, क्योंकि गैसीय पदार्थ के कणों में अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। इसलिए गैसीय पदार्थ की संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में काफी अधिक होती है। गैसीय अवस्था में भी पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है, और गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। आशा करते हैं कि आपको अब पदार्थों की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर की अच्छी समझ हो गई होगी। अगले वीडियो में हम पदार्थों पर तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानेंगे।